तो अभी काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो एमवे है उसने कृष्णा को कॉपी करा हुआ है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन तुम देख सकते हो यार यहाँ पे। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। लोग कह रहे हैं कि जो एमवे का भी रिमिक्स आने वाला है वो रिमिक्स पहले ही कृष्णा रिकॉर्ड करके बैठ चुका। आई डोंट नो यार इनके फैन बेसिस में क्या चलते रहता है। अब तुम लोग को क्या लगता है जरूर से कमेंट करके बताओ, मेरे को तो अभी कोई आइडिया नहीं इस चीज़ के बारे में। यो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल पब्लिक। मतलब काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई, लगभग 7 दिन बाद तुम लोग को नई वीडियो देखने को मिल रही है, एंड उसके लिए मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। आई नो, देखो यार तुम लोगों ने भी काफी बार बोला था कि रेगुलर वीडियोस वगैरह अपलोड कर, एंड देखो यार रेगुलर अगर अपलोड करता हूँ तो चैनल की रीच ठीक रहती है, एंड अभी अगर नहीं करूंगा तो फिर ऐसी की तैसी तो हो ही गई है। बाकी देखो यार इन चीजों के ऊपर पे ज्यादा फोकस वगैरह नहीं करते क्योंकि व्यूज अप एंड डाउन तो चलता रहेगा। बाकी देखो यार अभी हम लोगों ने यार क्या ब्रेक लिया, तो यार मतलब रफ्तार भी है, तुम क्या करके मानोगे यार। अभी कुछ टाइम पहले कृष्णा भाई का कोलैब आया था यंगस्टर्स के साथ में, टच बेस, काफी खतरनाक था, तुम लोगों ने तो सुन ही लिया होगा आई थिंक, एंड नहीं सुना तो यार सुन लेना जाके। एंड उसी के साथ ही रफ्तार भाई ने अपनी ईपी डाल दी भाई, काफी अनएक्सपेक्टेड सा कोलैब था। मतलब इसके बारे में सोचा नहीं था कि रफ्तार एक्स प्रदीप हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब काफी सारे लोग गेस कर रहे थे, लेकिन मतलब यार जो फाइनल में पता चला ना यार फाइनली कि मतलब रफ्तार एक्स प्रदीप होने वाला है, और वो भी जो ट्रैक है, ट्रैप पैरा हो गया या फिर बदनाम हो गया, हेलो हो गया, भाई क्या ही गजब गजब के ट्रैक है इसमें। अब देखो ऐसा मत बोलना कि भाई चार ही ट्रैक है, लेकिन तू वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। हां भाई कैसी लगी? एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो मेरे को पर्सनली ना चारों में से 2 ट्रैक हो गए, चाहे वो बदनाम हो है एंड उसी के साथ ही ट्रैप प्राज हो है, भाई एक नंबर के ट्रैक है वो। एंड उसी के साथ ही ईपी जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है यूट्यूब के ऊपर पे। कुछ टाइम पहले हमें हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 देखने को मिली थी रफ्तार की तरफ से, एंड इतनी चीजें देखने के बाद मेरे को बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि ये रफ्तार भी है वही वाले रफ्तार भी है जो पहले हुआ करते थे। क्योंकि देखो यार तुम लोग को भी ये चीज बहुत अच्छे से मालूम होगी कि अभी कुछ टाइम पहले ट्विटर वगैरह पे ऊपर पे चल रहे थे, कुछ टाइम का मतलब हो गया यार उसके 5-6 महीने, ट्विटर वगैरह पे चल रहे थे कि रफ्तार भैया का रिटायरमेंट का टाइम हो गया, ये वो सब चल रहा था। लेकिन फाइनली उसके बाद ये चीजें क्या हो रही है भाई। देखो रफ्तार भैया ने बोला था ना गाने के अंदर में कि गाने मेरे डाइटिंग पे थे, अब से मेरा चीट डे। एंड देखो यार ये चीट डे वाली बात तो मतलब आई थिंक यार और टाइम तक चलनी चाहिए भाई। अभी देखो यार हिप हॉप ऑडियंस को मजे मस्ती देखने को मिल रही है, एंड उसी के साथ ही रफ्तार भी यही ठान के बैठ चुके हैं कि किसी बंदे की नई एल्बम या ईपी कुछ भी आने वाली है ना भाई, उसकी हाइप तो बनने ही नहीं देनी है चाहे वो ट्रैक क्यों ना हो। एंड देखो ये जो आजकल रफ्तार भैया ने अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप वाली चीजें करी है ना भाई, ये अलग लेवल पे चल रही है मेरे को लग रहा है। मतलब अभी कुछ टाइम बाद ऐसा ना हो जाए कि कोई एक रैपर जो कि हाइप बना रहा होगा अपने ट्रैक की या फिर एल्बम की या फिर मिक्स टेप जो भी है, एंड पता चले जब वो ड्रॉप करने वाला होगा उससे पहले रफ्तार भैया कुछ टाइम पहले डाल के तैयार हो जाएंगे कुछ तगड़ा माल। अब देखो यार मतलब चांसेस हैं इस चीज के, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अपने मन से ही बना रहा हूँ, तुम्हें भी पता है कि ये चीज हो सकती है। एंड इतना ही नहीं, एक ये जो लाइन थी रफ्तार भैया की, इस लाइन की वजह से भी कुछ लोग सो कॉल्ड जो हिप हॉप फैंस है वो कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह भी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे गोड्डे को मैंने बड़ा समझाया यार। अरे बाबू बहुत समझाया मैंने, बहुत समझाया, बहुत मतलब बहुत बात होती है उसकी, मेरी बहुत बात होती है, पर जरूर मैं भी चाहता हूँ कि हम उसको भी लेके आए। और सुना मेरी वो मेरे ख्याल से वो पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था और न्यूजीलैंड चला गया था, वहां काम कर रहा था, देन अभी वो वापस आ चुका है, नाउ ही इज बैक। इनफैक्ट मैंने उसकी परसों फेसबुक पे फोटो देखी थी, खाना बांट रहा था वो लोग, बहुत बढ़िया। मैं ऐसा गुड किड यार, तो बताओ दिल का कभी बुरा नहीं था यार, मतलब मैंने उसको कभी बुरा आसपास सोसाइटी सराउंडिंग उसकी बड़ी गलत, हां उसकी सोसाइटी बड़ी गलत थी, वो लड़का कभी गलत नहीं था यार, मैं तो रुका हूं उसके साथ यार, उसकी टी शर्ट पर यार वही है ना, देख वही सोच के दुख होता है कि जो अड़े रहे जो लड़े रहे वो कर गए, अब उसको ये भी नहीं बोल सकते तूने कुछ नहीं किया, पर अच्छा लगता अगर वो भी कुछ। अभी किस तरीके के हिप हॉप लिसनर्स है भाई, तेरे को अगर ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट आउट दिया जा रहा है या फिर डिस करा जा रहा है, सबलिमिनल शॉर्ट्स है, तो तू सुन क्या रहा है बे, तू पोगो देख जाके, हिप हॉप तेरे लिए नहीं है यहाँ पे। बात तो सही है। अब देखो यार यहाँ पे मेरी बातों के अंदर भी राइम स्कीम चल रही है। अभी थोड़ा सीरियस होकर तुम लोग को बता रहा हूँ, जो लोग भी ऐसा बोल रहे थे ना कि ये कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह जो भी मतलब क्रिएट करने की जो भी बकवासबाजी इनकी चलती रहती है कि ये डिस था शॉर्ट आउट जो भी कुछ भी चल रहा था इनका, तो देखो इसका मतलब जो था ना ये जो कोडा वाली बात बोली थी, तो इसका मतलब देखो होता गया। और भाई तुम क्या हिप हॉप फैन हो या फिर क्या तुम क्या मतलब क्या हिप हॉप लिसनर हो जो तुम लोग को ये चीज अच्छे से मालूम ही नहीं होती है। रफ्तार भी है जो कि गाने नहीं डाला करते, तो उनके तो भाई यार गाने रुक नहीं रहे, मतलब 1-2 महीने 2-3 महीने बाद भाई कुछ ना कुछ तो मतलब तगड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है की तरफ से। वही कृष्णा भाई की बात करें तो या तो ट्वीट कर देंगे या फिर हमारे मजे ले रहे हैं अभी।
अभी देखो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि उनको नहीं पता होगा ये बात कि ऑडियंस वेट कर रही है, भाई ऑडियंस भी वेट कर रही है एंड कृष्णा भाई को ये चीज़ मालूम होगी एंड इसीलिए देखते हैं यार क्या कुछ तगड़ा देखने को मिलता है हमें आने वाले टाइम में। एंड तुम लोग अगर याद हो तो जब किंग क्रूड के इंटरव्यू में कृष्णा गए हुए थे, मतलब कृष्णा भाई जब गए हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मिक्स टेप से रिलेटेड भी बात करी हुई थी, तो शायद से हमें मतलब इतना टाइम अगर वेट करा रहे हैं तो क्या पता मिक्स टेप देखने को मिल जाए। अब देखो यार आने वाले टाइम में हम लोग को पता चल जाएगा कृष्णा भाई हमारे मजे और लेते रहेंगे अभी और आने वाले टाइम तक या फिर कुछ ड्रॉप देखने को हमें मिलने वाला है। अभी देखो यार तुम लोग से बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, अब देखो तुम लोग को मैं प्यार से बोल रहा हूँ ठीक है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करो। अभी देखो यार थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है तो मतलब तुम लोग को वीडियो थोड़ी डिले देखने को मिल सकती है एंड उसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके, हाँ इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहने वाला तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट पे लिंक है तो तुम जरूर से आके फॉलो कर लो यहाँ पे।